Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 6, that is natural regions. Students, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका question answer. आप जितना question answer यहाँ पे देख रहे हो वो सब हम यहाँ पे cover करने वाले हैं. Okay, so let's start. Read the following statements carefully, correct the wrong ones and write them down. तो यहाँ पे आपको बताना है जो गलत है उसको वापस से बताना है आपको. Okay, first question is, due to its mild and warm climate, people from the West European regions are not energetic. False. तो इसको आपको वापस से लिखना है, सही लिखना है. Due to its mild and warm climate, people from the West European region are industrious and energetic. Second one is, the prairie region is called the wheat basket of the world. True. The trees in the Mediterranean region have oily leaves and the bark is quite thick. There is a high rate of transpiration. False. The trees in the hot desert region have oily leaves and the bark is quite thick. There is high rate of transpiration. Okay. Fourth one is, the camel is an important animal of the hot desert region as it can survive without water and is useful for transport. Yes, true. ये तो मैं पता ही है. Give geographical reasons. आपको यहाँ पे reasons देने हैं. First question is, people in monsoon region are mainly engaged in agriculture. So first point is, the monsoon region is located in tropical and subtropical belt between 10 degree and 30 degree north parallels, which receives almost perpendicular rays of the sun for most part of the year. Second point is, the summer's temperature are hot with between 27 degree and 32 degree Celsius and the winters are mild with temperatures between 15 degree to 24 degree Celsius. This region receives rainfall during specific season from the south, west monsoon winds and the rainfall varies between 250 to 2500 millimeter. Okay. Thus, as the climatic conditions are such that they favor growth of variety of crops, thus people in the monsoon region are engaged in agriculture. Second point is, trees in equatorial forest grow tall. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो आराम से. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आप अपने पढ़ा ये लेसन तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कितना यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आंसर लिखना है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है. तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर मैं एक एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी ऐसे लेंथी हो जाता है. यहाँ पर भी आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये भी वेजिटेशन इज शॉर्ट लिव्ड इन द टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन आपको पता है जहाँ पे बर्फी बर्फ रहता है ना, तो उसके भी पॉइंट्स यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा. अगर आप चाहो तो भी लिख लो नोटबुक पेन लेके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लो. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन आंसर दोनों का आप बाद में लिख लेना. तो लिखने से क्या होगा कि आपके पास अगर डाइजेस्ट नहीं है या आपका वर्कबुक कंप्लीट नहीं है या फिर आपने आंसर लिखे नहीं है, तो आपको वो हेल्पफुल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, है ना. यहाँ आप ये क्वेश्चन देखिए, एक एक करके देखते हैं. व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द टाइगा रीजन. टाइगा रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 55 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स फ्रॉम अलास्का टू द अटलांटिक कोस्ट एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरेशिया. Name any three herbivorous animals from the Sudan region. What has nature endowed them with for self-protection? तो यहाँ पे ये देखो इसकी आंसर है, सूडान रीजन हैज जेब्रास एलिफेंट एंड जिराफ. नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विथ स्पीडी लेग्स, है ना, इनकी जो लेग्स होती है इतनी स्पीड में, कितनी स्पीड उनकी होती है, बहुत तेज़ दौड़ते हैं. द स्किन ऑफ द एनिमल्स हियर हैव कलरफुल स्पॉट्स और स्ट्राइप्स बैंड. देखा है आपने ज़ेब्रा को भी और जिराफ को भी आपने देखा है किस तरीके से होते हैं. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉनसून रीजन. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉनसून रीजन आर एज फॉलोज. द समर टेम्परेचर इज़ बिटवीन 27 डिग्री
and 32 डिग्री सेल्सियस एंड द विंटर टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस. इसका भी आंसर काफ़ी लेंदी है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर, आप स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है, फिर आप अच्छे से लिख लेना उसको. यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर साथ में. ओके सो इसे आप लिख लो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा. और इसमें का पॉइंट अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो फिर आप पूरा लिख सकते हो, अगर कम मार्क्स के आता है तो इसमें आप एक दो पॉइंट कम भी कर सकते हो ठीक है. ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 30-31 ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग. ये आपकी बुक का है ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी के बेस पे आपको आंसर देने हैं. वाई आर द हाउस टाइप्स शोन इन द पिक्चर्स नॉट सीन इन आवर सराउंडिंग. कौन कौन से हैं ऐसे जो हमारे आसपास नहीं दिखते. सो ऑल द हाउस टाइप्स शोन इन द पिक्चर्स आर नॉट सीन इन आवर सराउंडिंग्स बिकॉज हाउस टाइप्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे आर बिल्ट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन रेनफॉल टेम्परेचर एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस. तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे जितने भी हाउसेस दिए गए हैं सब डिफरेंट टाइप्स के हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ये हमें हर जगह पे मिले ठीक है, हर जगह का जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वैसे घर बनाए जाते हैं. कहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, उस हिसाब से. विच आर द रीजन्स वेयर सच टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड. इन सिटीज़ वी फाइंड बिल्डिंग्स येस एंड बंगलोज बिल्ट ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल. एंड इग्लू इज़ फाउंड इन द टुंड्रा और टाइगर रीजन्स. हट्स आर फाउंड इन ग्रास लैंड और फॉरेस्टेड एरियाज. है ना, ये तो आपको पता ही है. वुड यू लाइक टू स्टे इन अ हाउस बिल्ट ऑफ आइस. वाई डोंट वी बिल्ड सच हाउसेज. येस आई वुड लाइक टू स्टे इन एन आइस हाउस. वी कांट बिल्ड इट हियर बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई विच विल मेल्ट द आइस एंड वी डोंट हैव स्नोफॉल इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में थोड़ी होता है स्नोफॉल, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी होती है आपको पता है. वॉट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंस इन पीपल्स क्लोदिंग. अभी हमने देखा यहाँ पर अलग अलग लोगों के कपड़े अलग अलग तरीके के, तो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे. देर इज़ डिफरेंस इन पीपल्स क्लोदिंग बिकॉज फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल एज द रॉ मटीरियल अवेलेबल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट आर सेटअप अ पर्टिकुलर रीजन. वेयर डू यू थिंक क्यूब्स इंसेक्ट्स एंड एंड्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल. ह्यूमन बींग्स ईट वॉट एवर. सो ह्यूमन बींग्स ईट वॉट एवर इज एडिबल एंड डज नॉट हार्म देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रीवियसली क्यूब्स इंसेक्ट एंड एंड्स वर कंज्यूम्ड मेनली बाय ट्राइबल पीपल और पीपल लिविंग इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ओके बट टुडे इट इज़ कंज्यूम्ड बाई पीपल फॉर प्रोटीन और फॉर ट्रेडिशन और इवन एज एक्सप्लोरेटरी कुजीन. ओके सो ये सारे इसके रीज़न है. सिक्स्थ वन इज कैन द एनिमल्स फ्रॉम पोलार रीजन लाइक पोलार बियर्स एंड पेंगुइन बी केप्ट इन द ट्रॉपिकल ज़ोन्स. नो सो ये तुम्हें पता है, नो पोलार बियर एंड पेंगुइन सर्वाइव ओनली इन कोल्डर रीजन्स. दे कांट बेयर द ट्रॉपिकल हीट एंड मे डाई, देयरफॉर दे आर नॉट केप्ट इन ट्रॉपिकल ज़ूज़. आपको पता है महाराष्ट्र में भी जो आया है यहाँ पे कई बार लाया गया दिल्ली में भी पेंगुइन, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती है. ओके सो आर ऑल द प्लांट्स shown in the pictures found in our surroundings? If not, where do you think they can be found? So यहाँ पे देखिए, आपने देखा पेज नंबर 30, the trees shown in first picture is found in the coastal areas, the trees in the second picture is found in the equatorial region, the plant in the third picture is found in the hot desert region. आपने देखे हैं ये सारी चीज़ें ठीक है, ये प्लांट्स आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के, कौन से प्लांट्स कहाँ पे हो सकते हैं ये आपको पता है. अलग तरीके के आप यहाँ पे हाउसेस देख पा रहे हो, है ना. सो यहाँ पे अलग लोगों के कपड़े, पेंगुइन्स यहाँ पे देख रहे हो, पोलार बेयर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पोलार बेयर, ये पेंगुइन. आपको पता है रानीबाग ज़ू में आया भी है पेंगुइन ठीक है, लेकिन उसको कैसे बहुत ही ज़्यादा एसी में एकदम कोल्ड एकदम जगह पे रखा गया ताकि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके, नहीं तो ये मर जाते हैं. सिर्फ
इतनी गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ठंडी जगह पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। थिंक अबाउट इट, तो इसका भी आंसर आप देख रहे हो यहाँ पे है, वाई आर एनिमल्स लाइक लायंस नॉट फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रीजन्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, सो डेंस मल्टी मल्टी लेयर्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। एज द सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड द ट्रीज कम्पीट टू गेट सनलाइट एंड हेंस ट्रीज ग्रो वेरी टॉल। सो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे जो लायन है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्यों नहीं पाए जाते। वाई आर द हॉट डेजर्ट, मतलब कैसे जो लायन होते हैं वो कैसे वो जो झाड़ियाँ होती हैं उसके पीछे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वहाँ पे लायन नहीं रहते। वाई आर द हॉट डेजर्ट मेनली लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। सो इसका भी आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई आर पीपल इन द हॉट डेजर्ट इंगेज मोस्टली इन एनिमल रेयरिंग। हॉट डेजर्ट में इतने ज़्यादा एनिमल क्यों होते हैं, तो हॉट डेजर्ट है वेरी स्कैंटी रेन्स एंड हाई टेम्परेचर विच डज नॉट फेवर एग्रीकल्चर, देयरफॉर पीपल इन द हॉट डेजर्ट आर मोस्टली इंगेज इन एनिमल रेयरिंग। वाई डू पीपल इन हॉट डेजर्ट लिव अ नॉमेडिक लाइफ, पीपल इन हॉट डेजर्ट रेयर एनिमल्स फॉर अ लिविंग, देयरफॉर दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। वाई आर कार्निवरस एनिमल्स फाउंड इन द ग्रास लैंड, सो इन द ग्रास लैंड रीजन देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवरस एनिमल्स। ओके, सो देयरफॉर कार्निवरस एनिमल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। तो जहाँ पे हर्बीवरस होंगे वहीं पे तो कार्निवरस भी होंगे, क्योंकि कार्निवरस किस पे डिपेंड होते हैं, हर्बीवरस एनिमल्स पे, है ना। मेक फ्रेंड्स विद मैप, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखो मैप देखना है, आपको क्वेश्चन बताना है। विच नेचुरल रीजन्स आर फाउंड इन इंडिया, मानसून रीजन इन द नेचुरल रीजन फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे आप इंडिया का देख सकते हो, ये है यहाँ पे। विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज अ मेजर पोर्शन ऑफ द हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ रीजन, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका कंप्राइज अ मेजर पोर्शन ऑफ हॉट डेजर्ट टाइप रीजन, है ना, अफ्रीका में ज़्यादा डेजर्ट है। सो यहाँ पे एक एक ही पॉइंट एक एक सेंटेंस के आंसर हैं तो बहुत ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइस्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रीजन्स, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हैज़ द हाइस्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रीजन्स। वाई आर दे आर फीवर नेचुरल रीजन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर दैन दोज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज द लैंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज़ लेस एंड हैव ओनली इन टू टेम्परेचर जोन, इसलिए। विच नेचुरल रीजन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, टाइगा रीजन ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। वेयर एल्स डू वी फाइंड कंडीशन सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्क्टिका, ग्रीन लैंड हैज़ कंडीशन सिमिलर टू कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्क्टिका। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं, कोई भी डाउट और कॉमेंट सेशन में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। ओके।